अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी मुबशा। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अब सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये, फिर आप समझ जाएंगे ये व्लॉग किस चीज का। ये अच्छा हमको सिखा रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये क्या, ये वो हैरी पॉटर वाली स्टिक नहीं है। ये लगे तो ऐसे मैजिक स्टिक ही रही है, लेकिन ये मैजिक स्टिक नहीं है। ये एक्चुअली मेरे ट्राइपॉड स्टैंड की टूटी हुई टांग है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पता नहीं क्या हुआ इसे कि ये टूट गया। मैं बताती हूँ इसकी स्टोरी क्या है। इसकी स्टोरी ये है कि जनवरी में मेरी बर्थडे थी और मेरी दोस्त ने मुझे ये ट्राइपॉड स्टैंड गिफ्ट किया था। इसे मैं एज आ रिंग लाइट लगाने के लिए भी यूज़ करती थी और रिंग लाइट स्टैंड के तौर पर भी यूज़ हो जाता था, और ट्राइपॉड स्टैंड तो ये था ही, तो इसकी ये वाली चीज़ उतर जाती थी और यहाँ पर हो जाती थी रिंग लाइट अटैच। मैंने रिंग लाइट परचेज कर इसके साथ लगाना शुरू करके अपना काम शुरू कर लिया। अब इंसान को कोई भी चीज़ मुफ्त में मिल जाए तो उसकी कदर कहाँ होती है। मैंने इसे बहुत रफ्यूज़ किया और अभी इसकी ये हालत हो गई है कि ना यहाँ से ये, इसमें कोई मसला आ गया था, ये टूट गया था। फिर मैंने टेपिंग शेपिंग, ये देखें ये नज़र आ रहा है ना, ये सारी टेप लगी हुई है। ये टेप लगाकर मैंने इसे गुजारे लाइक ठीक किया था, बट फिर भी ये क्या हुआ कि अभी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता कि इसके ऊपर इंग्लैंड लग जाए। मोर ओवर इसके साथ ये हुआ कि इसकी ये दो तो हैं और ये तीसरी जो है ना, ये लग जाती है बट फौरन निकल जाती है। लाइक डल जाती होती है लेकिन ये फौरन निकल जाती है। और ये जो बाकी की टांगे हैं ना, इनका भी यही हाल है कि ये आधी निकलती है। और इस पर भी मैंने यहाँ पर टेप लगाई थी क्योंकि ना इसका भी मसला था, ये भी लूज हो गई थी, तो मैंने इसका जुगाड़ ये लगाया कि मैं इसे टेप शेप लगा दूँ। टेप शेप लगाकर मैंने इसके साथ काफ़ी टाइम गुजारा कर लिया, लेकिन अभी इसकी हालत ना बिल्कुल नाजुक हो गई थी। एक यही लेग थोड़ी ठीक थी, इसके ऊपर भी टेप लगी हुई है, तो मतलब इन शॉर्ट के ये सारा का सारा ख़राब हो चुका है अच्छे तरीके से। लेकिन पाकिस्तानी अवाम किस चीज़ की जान तो छोड़ती नहीं है, तो बेशक अभी ये एक्सपायर हो गया और अभी इसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अभी मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी रिंग लाइट के लिए नया स्टैंड ले लेती हूँ जाकर। और ये ट्राइपॉड स्टैंड तो है ही, अगर मैंने टेबल वगैरह पर रखकर कोई काम करना होगा तो मैं आराम से इसे रखती हूँ। इसकी इतनी लेंथ भी काफ़ी है मेरे लिए। ये इसकी टांग जो टूट चुकी है अच्छे तरीके से, इसका किसी सर्जन से ट्रीटमेंट करवाते हैं, इसकी टांग शांग जुड़वाते हैं। क्या बोला तूने? वो प्लास्टर शलस्तर लगेगा इसके ऊपर। और हम चलते हैं बाजार और हम अपने लिए जाकर लेते हैं रिंग लाइट स्टैंड, देखते हैं हमें कितने का मिलता है और क्या बनती है मेरे साथ, कितने का खर्चा होता है मेरा। तो चलो चलते हैं मार्केट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अब मैं बाजार आ गई हूँ और शॉप वाले ने मुझे ये स्टैंड दिखाया है जो 7 फीट तक उन्होंने कहा कि ये लंबा हो जाता है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये कितना लंबा होता है मुझसे, बट मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी इसकी। फिर मैंने परचेस साइड पे रखा और इसे ज़रा फोकस से खोलने की कोशिश की और आखिरकार मैं इसे ऊपर करने में कामयाब हो गई। अभी मुझे ये भी नहीं पता था कि ये ऊपर से थोड़ा ऊपर से भी मतलब बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर मैंने भाई को बुलाया और मैंने उन्हें कहा कि ये किस तरह से ओपन होगा और इसके फीचर्स वगैरह पूछे कि ये किस तरीके से सेट करना है। तो उन्होंने मुझे सारा बताया कि नहीं इस तरह से ये ऊपर से खोलना और इसे सेट करना है। फिर अलबत्ता उन्होंने मुझे बताया कि ये किस तरह अटैच करना है सारा कुछ। उन्होंने रिंग लाइट अटैच करके दिखाई थी मुझे कि ये रिंग लाइट को इस तरह अटैच करना है, एंड उसके बाद उन्होंने मुझे पैक कर दिया और मैंने पैक करवा लिया। तो मैंने स्टैंड ले लिया, चलो घर चलें। तो अभी मैं ये घर लेकर आ गई हूँ और इसमें पूरा ट्राइपॉड स्टैंड है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो अभी इसको जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। इसके अंदर से निकाल लिया है मैंने स्टैंड और अब इसका ये रैप उतारना है। तो मैं अब अपनी रिंग लाइट को इस अडॉप्टर के साथ अटैच कर रही हूँ। इसे अटैच कर कर अभी मैं रिंग लाइट चलाती हूँ और देखती हूँ कि कैसा लगती है और आपको भी दिखाती हूँ। तो अब
अब थोड़ा स्टैंड की हाइट को लंबा कर लेते हैं। वैसे ये स्टैंड ना 7 फीट तक ऊंचा हो जाता है, लंबा हो सकता है, इसे जितना मर्जी ऊंचा कर लो आप अपनी हाइट के हिसाब से या आपको जितना भी चाहिए होता है। और अभी मैंने लगा लिया है, अटैच कर ही लिया फाइनली। एंड अभी मैं रिंग लाइट को लगाती हूँ और फिर मैं देखती हूँ इसे पावर ऑन करके। फाइनली अब हर चीज़ अटैच करके रिंग लाइट लगा कर मैंने आपको दिखाया, और मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लगा। एंड आपने एक काम करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। ये तीनों काम आपने करने हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड अल्लाह हाफिज़। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में।